अरे पल्लू, तू ना बहुत मनुष्यत भरी बातें करती है। कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो चुप रहकर पूरे घर का माहौल बिगाड़ देती है। घर में तो खुशियां होनी चाहिए ना बिंदिया दीदी। और का, तभी तो हमने सोचा है कि घर में थोड़ी खुशियां लाएंगे और चमके उत्सव मनाएंगे। पर बिंदिया दीदी, उत्सव के लिए कोई वजह होनी चाहिए ना। अरे इतनी बड़ी वजह है उत्सव मनाने की। घर में नया मेहमान आने वाला है, इसलिए निधि दीदी की गोद भराई का उत्सव मनाएंगे और वो भी इतने धूमधाम से मनाएंगे कि ना तो कभी किसी ने ऐसी गोद भराई देखी होगी और ना ही की होगी। ए अर्जी हिटलर, तुम खुद को क्या समझती हो? कोई पंडित उंडित हो कि जैसा तुम कहोगी हम सब लोग वही करेंगे? कोई गोद भराई नहीं होगा। चलिए सब लोग, चलिए चलिए। रुकिए, गोद भराई तो होकर रहेगी। अरे निधि दीदी, आज आपकी गोद भराई है, जाइए और तैयार हो जाइए। चलिए हम भी तैयारियों में लग जाते हैं। नहीं मम्मी, हमें कोई फंक्शन नहीं करना है। सही कह रही हैं आप। अब बिंदिया चाहे कुछ भी करे, पर हम में से कोई भी इस फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पायल बिल्कुल सही कह रही है, किसी को भी इस फंक्शन में शामिल होने की जरूरत नहीं है। चलो सब लोग यहां से। चलो। वो बिंदिया पक्का कोई बहुत बड़ा प्लान कर रही है, वरना उसे ये गोद भराई की पार्टी रखने की क्या जरूरत थी? सारे फसाद की जड़ ना आप हैं,